हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑर्गेन्जा सूट का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन, जो आप बिल्कुल ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने सूट की कटिंग कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। मैंने इसकी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की दोनों की कटिंग कर ली है, और इसकी स्लीव्स भी मैंने रेडी कर लिया है। वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है, क्या क्या मैंने इसमें मटेरियल यूज़ किया है, जिसकी सहायता से मैं इसको ईजिली बना लिया है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, थैंक। ये मैंने फ्रंट पार्ट में, जो हमारा फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, उसमें मैंने अपनी लाइनिंग को अटैच कर लिया है। और अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे, कि आप सब जानते हैं कि अगर हम गले की कटिंग करते हैं तो उसमें हम बुकरम का यूज़ नहीं करते। जो गला बना हुआ होता है उसमें हम बहुत कम बुकरम यूज़ करते हैं, तो हम इसके आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसके गले की कटिंग कर लेंगे, लाइनिंग की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग में की कटिंग कर ली है फ्रंट पार्ट की, और अब मैं इसको जॉइंट करूँगी। अब हमें सीधे सीधे इसको जॉइंट नहीं करना, इस पार्ट को जो मैं इस हाथ में ले रही हूँ, इस पार्ट के साथ जॉइंट करना है। तो इससे क्या होगा, लाइनिंग में गले में हमारे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। इस तरह से रखते हुए हम पूरे इसमें लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, जिससे इजीली हमारा गला बनके रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। को पूरा देखा कीजिए, तभी वीडियो आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपको समझ में ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे हम इसको पूरी लाइनिंग को, गले को मतलब, इसमें अटैच कर लेंगे। इसको मैं अटैच करने के बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी फाइनल लुक इसकी कितनी प्यारी आती है, बहुत मतलब फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी हो जाएगा। अगर आप इस तरह से गला बनाएंगे, लाइनिंग इसमें अटैच करेंगे, तो आपको कभी भी कोई भी शिकायत नहीं आएगी, और ना ही आपकी लाइनिंग आप ऊपर उठेगी। अगर इस तरह से हम अपनी लाइनिंग को अपने गले में, जो गला बना हुआ होता है डिज़ाइन वाला होता है, उसमें अटैच करते हैं। देखो लाइनिंग अंदर की तरफ हो गया है, और जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली गई, बाहर से हमें कोई भी सिलाई नहीं दिखाई देगी, और परफेक्टली गला बन के रेडी हो गया है। ऐसे ही मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, जो बैक गला है हमारा उसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने ऊपर से लिया है ढाई इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, और 5.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है। चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है, और 5.5 इंच क्योंकि मैं ज़्यादा डीप गला नहीं पहनती हूँ, और मैंने इसकी इस तरह से, और अब हम इसमें एक शेप दे देंगे, गोलाई दे देंगे हमें, मतलब कि गोलाई दे देंगे, और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजिली आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। ये मैंने इसकी, जो मैं पीछे इसके पट्टी लगाऊंगी, रेब वाली पट्टी बोलते हैं जिसको हम तिरछा काटते हैं, वो मैंने पट्टी कटिंग कर ली है। अब इसको फोल्ड करने के बाद ऐसे मैं इसको फोल्ड करूँगी, और इसके साथ में इसे गले में जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए ऐसे मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब हम अपनी स्लीव रेडी करेंगे। स्लीव मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। ये मैंने गोटा पत्ती लेस ली है, जो थोड़ा सिल्वर टच है, और गोल्डन सिल्वर टच मिक्स होता है वो वाला, और एक समोसा लेस। इस तरह से हम पूरे पे इसमें एक पिक एक पट्टी लगाते जाएंगे गोटा पत्ती से, करके हम इसकी 5 लाइनें बना लेंगे। 5 लाइनें बनाने के बाद हम इसमें एक इस तरह से लाइनें देंगे, जिससे कि हमारा एक डिब्बे वाला लुक क्रिएट हो जाए, जिससे एक पंजाबी लुक सामने निकल के आए। आजकल आप देख रहे होंगे ट्रेंड में पंजाबी सूट, पंजाबी स्लीव्स होती हैं, उसमें इस तरह से डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। देखिए बहुत सुंदर स्लीव्स बन के, देखिए हमारा गला, मैंने पूरा सूट कंप्लीट कर लिया। इसका प्लाजो मैंने पहले बना लिया था, क्योंकि वो सिंपल है, तो मैंने इसमें आपको इसमें नहीं बताया, क्यों अगर मैं इसमें आपको बताती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती।
तरह से मैंने अपना पूरा सूट कंप्लीट कर दिया है। आप भी इस तरह से अगर अपना कोई सूट ऑर्गेन्जा सूट है, सिंपल स्लीव है और उसको और एलिगेंट